और आप ऐसे जा सकते हो। बहुत प्यारा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। देखो कितना प्यारा गेट है भाई, दिख रही है। तो भाई ट्रेन आ रही है सामने से, देखो। और अंकल भाई पूरे पटरी पे चल रहे हैं भाई, इतना प्यारा लग रहा है भाई ये स्टेशन। तो फॉरेनर्स भी हैं यहाँ पे जो घूमने आ रखे हैं। बहुत प्यारी सीटिंग है ट्रेन की, इस तरीके की सीटिंग है भाई अगर आप आओगे कभी भी। तो ट्रेन आ गई है बट अभी मेरे पास टिकट नहीं है भाई। तो भाई यहाँ तक ट्रैक करके आना वर्थ इट लगा मुझे। और नीचे जो मुझे व्यू दिख रहा है, सच में बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है भाई। और ये आपको देखने को मिल जाए यहाँ पे बड़ोग रेलवे स्टेशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट सोलन के पास बहुत ही प्यारी सी जगह जिसका नाम है बड़ोग। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे बड़ोग और उसके आसपास की जगहें जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। तो इन प्लेसेस को हम सोलन टूरिस्ट प्लेसेस भी बोल सकते हैं या फिर बड़ोग नियर टूरिस्ट प्लेसेस भी बोल सकते हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ोग की दूरी है 58 किलोमीटर की। यहां तक आने के लिए आपको मैक्सिमम 2 घंटे का टाइम ही लगेगा। और अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिला फिर तो आप इस ब्यूटीफुल से रास्ते को 1.5 घंटे में ही कवर कर लोगे। तो सबसे पहले हम पहुंच गए हैं बड़ोग के पाइनवुड होटल में। बड़ोग पाइनवुड होटल हिमाचल टूरिज्म के अंडर आता है। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले हमने सोचा ब्रेकफास्ट किया जाए। तो मुझे तो ये होटल काफी अच्छा लगा देखने में। अगर आपको इस होटल की बुकिंग करनी है तो आप हिमाचल टूरिज्म की साइट पर जाके इस होटल को बुक कर सकते हो। तो चलो अब आपको जल्दी से लेकर चलते हैं आज की हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन टू विजिट इन बड़ोग। जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है बड़ोग की, वो है यहाँ का जो रेलवे टनल है, बहुत ही फेमस रेलवे टनल है, तो हेरिटेज भी बोल सकते हैं उसको। तो वहीं पे जा रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत मजा आने वाला है। अभी हम पहुंचने ही वाले हैं बड़ोग टनल, बहुत ही फेमस टनल है और मैं बिल्कुल पहुंच ही गया हूँ ऑलमोस्ट। और यहाँ से एक रास्ता कटेगा नीचे को, आप भी ध्यान रखना वीडियो अगर देख रहे हो तो। इस तरीके से एक नीचे को रास्ता कटेगा तो वहां से आप जाओगे, कार आगे तक नहीं जाएगी, आपको कार खड़ानी पड़ेगी साइड पर। यही वो रास्ता है नीचे, वो सामने बोर्ड लगा हुआ है तो जहाँ पे वो ये कार पार्किंग खड़ी है आप ऐसे ही लगा सकते हो। ये बोर्ड आप देख लेना, येलो कलर का बोर्ड आएगा रास्ते में, ये देखो भाई, नॉर्दर्न रेलवे उत्तर रेलवे स्टेशन। तो अगर आप सोलन वाली साइड से आ रहे हो तो ये यहाँ से रास्ता आएगा और ये सामने आपको ये बोर्ड दिख जाएगा येलो कलर का, और ये रास्ता है वो नीचे जा रहा है जो। अगर आप बड़ोग से आ रहे हो इधर से तो यहाँ पे आप कार पार्क कर सकते हो जैसे मैंने किया है, और इधर से आप ये रास्ते से होके नीचे जाओगे। तो हम भी देखते हैं ये रास्ता कितना लंबा है और कैसा है, आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। तो वीडियो को साथ साथ देखते रहना भाई, लाइक कर दो वीडियो को अगर आपको मज़ा आ रहा है। तो चलो नीचे लेके चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कैसा है जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे टनल है यहाँ की जो बहुत फेमस दिखने में, कैसी आ जाओ भाई। अब चाके देखते हैं, और ये रास्ता मैं अभी मैंने पकड़ लिया, जो मैंने आपको बताया वही रास्ता आपने पकड़ लेना, नीचे नीचे निकलना है और बहुत ज़्यादा ही भाई ये स्लोप है तो थोड़ा ध्यान से आना। तो चलो देखते हैं कितना लंबा है। मैंने अभी किसी से पूछा था तो भैया ने बताया कि आपको नीचे जाके अभी थोड़ा चलना पड़ेगा, देखते हैं कितना मीटर चलना पड़ता है, आ जाओ मेरे साथ। और अभी आप देखो भाई यहाँ से पेड़ों का व्यू देखो, पहाड़ों पर जो ये पेड़ हैं कितने प्यारे लग रहे हैं यार। और अभी सुबह का टाइम ही है, अभी 10:30 ही हुए हैं तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। तो अगर आप आओगे, बड़ी पीसफुल सी जगह है घूमने के लिए बड़ोग, बहुत ज़्यादा स्लोप रास्ता है भाई, बहुत ही ज़्यादा, तो ध्यान से आना भाई, सच में बहुत स्लोप है ये देखो। और कार आपको ऊपर ही खड़ानी पड़ेगी, यहाँ पे अपना व्हीकल मत ही लेके आना क्योंकि रास्ता व्हीकल के हिसाब से ठीक नहीं है। जो यहाँ पे लोकल रहते हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, पर वैसे मत आना, लेके आओ। मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा भाई, और यहाँ तक पहुँच गया। जब आप आधे रास्ते में आ जाओगे तो आपको थोड़ा और स्लोप वाला रास्ता मिलेगा और ये आपको देखने को मिल जाए यहाँ पे बड़ोग रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन ये देखो एरो लिखा हुआ है फ्यू स्टेप्स आगे, तो इन्होंने स्पेशल लिख के लगाया हुआ है यहाँ पे, ये बहुत सही लगा मुझे। तो चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कैसा है। और ये रास्ते के हम होते हुए आगे निकलते हैं, आ जाओ। तो रास्ता बड़ा नैरो सा है भाई, तो ध्यान से जाना, देखते हैं। वैसे मज़ा भी आ रहा है, थोड़ा ट्रैक वाली फील भी आ जाएगी जब आप देखने आओगे। और शांति तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा ही है, और सामने ऐसे पूरा जंगल सा दिख रहा है, देखो भाई रास्ता कितना प्यारा है आगे, आओ देख के आते हैं भाई। तो भाई पूरा जंगल वाला रास्ता है, तो यहाँ से ध्यान से आना अगर आओगे। तो भाई अभी मैं पूरे जंगल वाले एरिया में आ गया हूँ, ये देखो भाई सामने, और ये ट्रैक जा रहा है, लेकिन इन्होंने ट्रैक पक्का बनाया हुआ भाई, ये देखो।
तो चलो चलते हैं। बस अब यहाँ पे जाना वर्थ इट हो जितना हम आए हैं नीचे, क्योंकि मुझे पता है जब अभी नीचे जाते हो पता नहीं लग रहा, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे ना तो पता लगेगा उस टाइम पे। आओ भाई आओ। तो भाई अभी मैं ट्रैक करते करते वहाँ से यहाँ तक पहुँच गया हूँ, ये लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन। चलो चलते हैं आगे, आओ। रास्ता यार कुछ काफ़ी ज़्यादा ही लंबा है ट्रैक करने वाला। बस चलो रास्ता लंबा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुंदर होना चाहिए देखने में। ये देखो भाई सामने दिख रहा है रेलवे स्टेशन, आओ जाके आते हैं। तो भाई यहाँ तक ट्रैक करके आना वर्थ इट लगा मुझे, और नीचे जो मुझे व्यू दिख रहा है सच में बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है भाई। तो चलो आपको भी दिखाता हूँ जाके वो व्यू, और आपको आज घर बैठे बैठे दिखाते हैं बड़ोग रेलवे स्टेशन। अगर आप देख रहे हो तो भाई वीडियो को पक्का लाइक कर देना, आपके लिए मैं स्पेशल इस जगह तक आया हूँ। और पक्का लाइक करके जाना भाई वीडियो को, और कमेंट करके पक्का जाना। अभी आपको जो मैं व्यू दिखाऊंगा, ये देखो भाई सामने थोड़ा थोड़ा ये व्यू दिख रहा है स्टेशन का, तो बड़ा फेमस है, तो लोग इस स्टेशन को ही स्पेशली देखने आते हैं। और हम भी देखते हैं क्या है कैसा है। ये देखो भाई अभी हम आ गए हैं बड़ोग रेलवे स्टेशन, इसके वहाँ पे टी स्टॉल भी बनी हुई है एक छोटी सी। नीचे जाके देखते हैं और क्या क्या है, आ जाओ। आओ भी। तो फाइनली भाई पहुँच गए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैक करके जाना पड़ेगा भाई आपको। ये देखो भाई तो यही है भाई वो फेमस रेलवे स्टेशन बड़ोग का, क्योंकि बड़ा फेमस है। आओ अभी आगे चलते हैं। सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई ये रेलवे स्टेशन। ये देखो सामने छोटा सा यहाँ पे स्टैंड बनाया हुआ है, और टी स्टॉल भी है यहाँ पे, आप चाय वगैरह पैटीज वगैरह खा सकते हो, और ये हैंड वॉश के लिए। सच में यार बड़ा सुंदर लग रहा है ये। ये देखो भाई ये लाइट्स कितनी प्यारी लग रही हैं, और सामने लिखा हुआ है बड़ोग। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं बड़ोग रेलवे स्टेशन, और ये देखो यहाँ से आप कुछ भी बाय कर सकते हो भाई, बर्गर सैंडविचेस पड़े हैं यहाँ पे। ऊपर से आते हुए ये लग नहीं रहा था कि इतनी प्यारी जगह होगी ये, लेकिन सच में भाई वर्थ इट है। ये देखो भाई और कितना प्यारा लग रहा है भाई ये स्टेशन। यहाँ पे बैठ के पूरा आपको फिल्मी फील आएगी जैसे मूवीज़ में होता है। तो इस स्टेशन को ना मिनी दार्जिलिंग भी बोला जाता है, मैंने पढ़ा था एक जगह, तो क्योंकि वैसे ही वाइब देता है। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। टॉयलेट्स भी यहाँ पे फैसिलिटी, छोले भटूरे कुलचे काफ़ी कुछ अभी खाने के लिए भी यहाँ पर। और ये है वो बड़ोग स्टेशन टनल। तो अगर आप इस साइड घूमने आ रहे हो तो इस स्टेशन को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और सामने अभी जो मैं आपको टनल दिखाऊंगा, जो आपको दिख रही है स्क्रीन्स के ऊपर, वो है यहाँ की जो फेमस टनल है। अभी इसकी हिस्ट्री अभी आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये चीज बता देता हूँ कि कालका शिमला रूट का सबसे लॉन्गेस्ट टनल बड़ोग रेलवे स्टेशन पर ही है, जिसको टनल नंबर 33 भी बोला जाता है, जिसकी लेंथ है 1.2 किलोमीटर। 19 सेंचुरी में जब कालका शिमला रेल रूट का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तब इस टनल को बनाने का काम एक ब्रिटिश इंजीनियर को ही दिया गया था, जिसका नाम था कॉलोनल बड़ोग। तो उस टाइम पर इस टनल की कंस्ट्रक्शन करते हुए उस इंजीनियर से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसकी गलती ये थी कि उसने जल्दबाजी में पहाड़ के दोनों तरफ से ही टनल का काम स्टार्ट कर दिया था, और उसका रिजल्ट ये आया कि वो टनल के दोनों सिरे आपस में नहीं मिल पाए, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट का काफी नुकसान भी हुआ। तो इसी के चलते ब्रिटिश इंजीनियर बड़ोग को 1 रुपए का फाइन भी किया गया, और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। तो इस चीज को वो बिल्कुल भी सह नहीं पाए, और उन्होंने इसी टनल के सामने सुसाइड कर ली। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस ब्रिटिश इंजीनियर की आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है। और इस रेलवे स्टेशन के बारे में आपको एक और खास बात बता देता हूँ, यूनेस्को की तरफ से बड़ोग रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है, और बड़ोग रेलवे स्टेशन सी लेवल से 1560 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है।
कमेंट सेक्शन में पक्का बताना आपको कैसा लग रहा है ये स्टेशन देखने में। और ये जो यहाँ पे ट्रेन की जो आपको ये पटरियाँ दिख रही हैं ये सारी टॉय ट्रेन की हैं, तभी ये छोटी हैं। और अगर अभी ट्रेन भी आ रही होगी तो वो भी आपको देखने को मिलेगी, तो और अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा ट्रेन का। मुझे लग रहा है ट्रेन आ रही है सामने से, दिख रही है, तो भाई ट्रेन आ रही है सामने से देखो। और अंकल भाई पूरे पटरी पे चल रहे हैं भाई, और हम थोड़ा लकी हैं, अभी मैं यहाँ पे आके खड़ा ही हूँ और हमें ट्रेन देखने को भी मिल गई, टॉय ट्रेन, वो इस टनल से ही निकलेगी। अभी अब देखना भाई सामने व्यू कितना प्यारा व्यू आने वाला है, तो चलो आप भी मेरे साथ इंजॉय करो इस पूरे व्यू को। अभी इस स्टेशन पे ट्रेन आने वाली है और अभी अब देखना जब ट्रेन आती है तो कितना सुंदर लगता है देखने में, तो वो देखो भाई सामने आ जाओ। तो ट्रेन की स्पीड बड़ी स्लो है भाई, क्योंकि टॉय ट्रेन है, ये स्लो स्लो ही चलती है पहाड़ों में, और ये शिमला तक जाती है, कालका से स्टार्ट होकर शिमला तक जाती है ये ट्रेन। और ये इसका एक स्टेशन, एक इसका ये हॉल्ट होता है यहाँ पे बड़ोग में, यहाँ इसका रेलवे स्टेशन है, वो देखो भाई सामने। तो भाई ये तो सच में बड़ा सही हो गया, मेरे को बहुत ज़्यादा ना खुशी हो रही है आपको दिखाने में कि मैं बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आया हूँ जब ट्रेन आने वाली थी। तो सामने ट्रेन आ गया, पता नहीं किस साइड मुड़ेगी, ये इस साइड मुड़ेगी, इस साइड मुड़ेगी, मेरे दो ट्रैक से जा रही हैं, ये किधर को जा रहा है किधर को। लो भाई ट्रेन भी आ गई, तो ये देखो भाई कितना प्यारा ये सीन यहाँ का, आपने बहुत कम देखा होगा ये सीन, सच में भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है। बड़ोग रेलवे स्टेशन यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है भाई, तो पक्का वीडियो को लाइक करना, इसके लिए तो एक लाइक बनता है भाई। ये देखो भाई तो ट्रेन आ गई है, बट अभी मेरे पास टिकट नहीं है भाई, टिकट तो हम सिर्फ देखने के लिए आए हैं, लेकिन हाँ इसमें बहुत लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये कालका से चले होंगे और अगे शिमला तक जाएंगे। ये बड़ी छोटी सी ट्रेन है यार, प्यारी सी, सही, अभी बहुत प्यारा लग रहा है। अभी यहाँ पे इनका हॉल्ट है, यहाँ पे रुकेगी शायद कुछ टाइम के लिए, रुकती है ये ट्रेन, और आपको थोड़ा बहुत ये दिखा देता हूँ मैं, कुछ ऐसा है भाई अंदर का ट्रेन का एरिया, ये देखो भाई हिमदर्शन कालका शिमला, अगर दिखा सकूँगा भाई आपको अंदर से भी दिखाऊँगा। और इस तरीके से लोग यहाँ पे फिर अपना बेचते हैं, ये बड़ोग, तो ये देखो भाई अंदर का एरिया कुछ ऐसा है, सीटिंग बहुत प्यारी सीटिंग है ट्रेन की, इस तरीके की सीटिंग है भाई अगर आप आओगे कभी भी, तो इस ट्रेन में भी आप इंजॉय कर सकते हो। तो भाई मज़ा आ गया, तो पक्का भाई वीडियो को लाइक और कमेंट करके जाना, और इस ट्रेन के लिए तो भाई लाइक बनता है, स्टेशन पर आके हमें ट्रेन भी मिल गई, क्या बात है। और ये देखो भाई यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, मैगी परांठा सब कुछ है, क्या बात है। और अभी आप मेरे सामने देख सकते हो फॉरेनर्स भी हैं यहाँ पे जो घूमने आ रखे हैं। तो इस ट्रेन में भी भाई आपको एक अलग से मैं वीडियो दूंगा इस ट्रेन के रिलेटेड, अगर आप ट्रेन में आते हो तो आपको देखने को मिलेगी अलग वीडियो। और मैंने आपको अभी इंटीरियर तो दिखा ही दिया है ट्रेन का, कितना प्यारा लग रहा है भाई, सच में भाई बहुत प्यारी लग रही है ये स्टेशन पे खड़ी हुई ये ट्रेन, ये देखो भाई। तो भाई ट्रेन यहाँ से चल चुकी है, और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो पूरा तो पक्का मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखो भाई तो सही लगा यार मुझे ये स्टेशन पे आके, सच में बड़ा मज़ा आया। और ये है वेटिंग एरिया भाई स्टेशन का। तो चलो अभी चलते हैं आज की हमारी सेकंड डेस्टिनेशन, वो है जटोली टेंपल, आपको वहाँ जाके बताता हूँ उसके बारे में। तो चलो जल्दी से चलते हैं और आपको दिखाते हैं जटोली शिव टेंपल, आ जाओ मेरे साथ। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं जटोली शिव टेंपल, और ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है 0 किलोमीटर रह गए, रास्ता थोड़ा नैरो है लेकिन पक्का रास्ता है, तो ध्यान से आना भाई, ड्राइव बहुत सेफली करना आप यहाँ पर आके, तो जहाँ से कट है वहाँ से कट से ऊपर को लेना है आपने, ये देखो भाई। लेकिन रास्ता सच में बहुत प्यारा रास्ता है शिव टेंपल का, तो चलो चलते हैं और आपको भी आज दर्शन करवाते हैं जटोली शिव टेंपल। मंदिर का गेट आपके सामने आ गया, देखो कितना प्यारा गेट है भाई शिव मंदिर का, जो ये गेट है जटोली शिव मंदिर, अभी आपको अंदर लेके चलते हैं। तो भाई पार्किंग की फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, खुली डुली कार हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, और ये देखो भाई सामने मंदिर का नज़ारा, साइड व्यू, और कुछ ऐसा है भाई मंदिर के बाहर का एरिया आपको दिखा देता हूँ,
ये देखो भाई। और अभी आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। तो मंदिर के दर्शन करते करते मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी मंदिर के बारे में भी दे देता हूँ। जटोली शिव मंदिर के बारे में ये दावा भी किया जाता है कि ये एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है और इस मंदिर की ऊंचाई 122 फीट के करीब है। सोलन शहर से मंदिर की दूरी 8 से 9 किलोमीटर की ही है। मान्यता है कि पौराणिक काल में भगवान शिव यहाँ पर आए थे और कुछ वक्त के लिए यहाँ पर रहे भी थे, और इसके बाद 1950 में स्वामी कृष्णानंद परमहंस के नाम के बाबा यहाँ पर आए, जिनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश के चलते ही इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, और 1974 में उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी, और इस मंदिर को पूरी तरह तैयार होने में लगभग 40 साल का समय लगा। मंदिर के बिल्कुल टॉप के ऊपर लगभग 11 फीट ऊंचा एक विशाल सोने का कलश भी स्थापित है। तो ये तो थी जटोली शिव मंदिर के बारे में कुछ जानकारी। तो चलो अब जल्दी से आपको भी अच्छे से दर्शन करवाते हैं मंदिर के। ये तो थी मेरी आज की वीडियो जटोली शिव टेंपल, जो कि बड़ोग में ही पड़ता है। तो अगर आप इस साइड आ रहे हो, बड़ोग वाली साइड, सोलन डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हो, सोलन में आ रहे हो, तो यहाँ के दर्शन पक्का करके जाना। तो ये थी हमारी आज की सेकंड डेस्टिनेशन, जो कि थी जटोली शिव टेंपल। तो चलो अभी हम लेके चलते हैं आपको एक और अच्छी सी डेस्टिनेशन में, अगर आप बड़ोग घूमने आ रहे हो या फिर इसके आसपास के एरिया में आ रहे हो, तो वहाँ लेके चलते हैं। आ जाओ, अभी आपको मैं रास्ते में बताता हूँ कि वो कौन सी जगह है। आ जाओ। तो भाई अभी हम जा रहे हैं रीवा वाटरफॉल अश्विनी खंड के पास। अश्विनी खंड भी बोला जाता है इसको, आप मैप्स में लगा लेना, आपको पूरी अच्छी तरीके से डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये देखो सामने बोर्ड लिखा हुआ है, तो इधर से अब डायवर्जन हो रहा है, तो हम जाएंगे लेफ्ट वाली साइड। यहाँ पे लिखा हुआ आपने पढ़ लिया होगा, ये देखो भाई सामने। इस रास्ते से होते हुए भाई हम आज जाएंगे वाटरफॉल पे, देखते हैं कैसा वाटरफॉल है। सुनने में आया बहुत सुंदर है वो देखने में, अब देखते हैं जाना वर्थ इट है भी या नहीं भी। तो चलो आप मेरे साथ, और वीडियो को भाई अगर देख रहे हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके पक्का जाना। सच में भाई वैली बहुत प्यारी लग रही है आपके सामने, देखो भाई कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। तो चलो अभी यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो भाई अभी आपके सामने ही है, देखो कितना प्यारा व्यू है, और हम पहुँच नहीं पा रहे हैं वाटरफॉल पे। और ये देखो भाई सामने चारों तरफ मेरे उस साइड सारा, देखो भाई कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये देखो भाई ऐसा लग रहा है यार भाई जन्नत में आ गए हैं कहीं, इतना प्यारा व्यू है ना पहाड़ों का यार, वैली इतनी प्यारी लग रही है भाई देखने में। तो भाई अगर मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो यहाँ इस जगह पे तो पक्का आगे जाना वाटरफॉल पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी वाटरफॉल पहुँचने ही वाले हैं, वो भी आप देख लेना वहाँ कैसा वहाँ का व्यू है। लेकिन रास्ता बहुत ही प्यारा लगा मुझे, थोड़ा रास्ता नैरो है लेकिन सच में बहुत ही प्यारा है। इस वाटरफॉल को रीवा वाटरफॉल या अश्विनी खंड भी बोला जाता है। तो अभी चलो आगे चलते हैं, सामने देखो भाई कितना प्यारा लग रहे हैं पहाड़।
तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं इस साइड वाटरफॉल वाली साइड, और यहां से अभी ये थोड़ा रास्ता कच्चा है, इस साइड को जा रहा है। और ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, देखो अश्विनी खंड सोलन। तो चलो अभी यहां से निकलते हैं और देखते हैं आगे रास्ता कैसा है, और आपको भी दिखाते हैं। आ जाओ, ये देखो ये आपको पेड पार्किंग यहाँ पे मिल जाएगी, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कार पार्क कर सकते हो। तो भाई अभी हम यहाँ से निकल के जाएंगे पार्किंग के अंदर से, ये देखो ये पार्किंग एरिया सारा, और इधर से निकल के ये रास्ता है जो कि वाटरफॉल की तरफ जा रहा है, तो आपको वहीं लेके चलता हूँ। और ये कुछ ऐसा एरिया भाई यहाँ पे देख सकते हो आप, बड़ा ही भाई शांत सा पीसफुल सा एरिया है। तो अगर आप आ रहे हो भाई इस साइड और आपको थोड़ी पीसफुल जगह चाहिए, इस जगह को आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हो। तो बाकी आपको नीचे जाके दिखाता हूँ वाटरफॉल पे कैसा है। तो भाई इस तरीके के कुछ रास्ते से आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा आगे, जब आप वाटरफॉल की तरफ जाओगे तो पार्किंग के साथ से ही रास्ता निकलता है। ये हमारे साथ डॉगी भी अब जा रहा है साथ साथ में, और आप ऐसे जा सकते हो। तो वहाँ से अभी हम आए हैं भाई और इस साइड को जाएंगे। पूरा अभी देखते हैं कितना ऊपर तक ट्रैक करना है, कैसे करना है। आप भी वीडियो में बने रहो और मेरे साथ देखो भाई अश्विनी खंड वाटरफॉल, रीवा वाटरफॉल। यहाँ पे जितने भी है ना बड़े बड़े ये पड़े हैं भाई पत्थर, तो यहाँ ध्यान से आना भाई। तो भाई अगर इस साइड आओगे वाटरफॉल तो यहाँ से पक्का ये ट्राई करके जाना चार्ट को। तो हम भी थोड़ा सी बनवा रहे हैं अभी, देखते हैं थोड़ी एनर्जी आएगी। आओ जी, और बड़ी पीसफुल जगह है अभी, आप देख ही रहे हो कितनी शांति है। इधर मैं खड़ा हूँ, पानी की आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी, और अच्छा लग रहा है। अभी ये ट्रैक करके जाएंगे आगे, चलो भाई देखते हैं कितना का दूर और है। अभी करते हैं एक्सप्लोर जाके वाटरफॉल को, आ जाओ मेरे साथ। तो इस तरीके का रास्ता होगा भाई, थोड़ा ध्यान से आना, बड़ा ही कच्चा रास्ता है, ध्यान रखना भाई, ट्रैक ध्यान से करना। मैंने अभी काफ़ी लोगों को ऊपर ना कपड़े वगैरह लेके जाते हुए भी देखा, मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग नहा के भी जाते हैं, देखने में लग रहा है। बाकी अभी पता लगेगा जाकर भाई, अभी और ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ तक पहुँच गया हूँ भाई, काफ़ी लोग आ रहे हैं इधर घूमने। ये लो भाई देखो आपके सामने, इस तरीके से आना भाई, थोड़ा रास्ता ध्यान से है, ट्रैक ध्यान से करना। और ये देखो भाई लिखा हुआ है सामने रीवा वाटरफॉल, वेलकम टू रीवा वाटरफॉल। आओ भाई, और ये देखो भाई अभी देखते हैं आगे का नज़ारा कैसा है। और यहाँ से ये स्टेप्स हैं, स्टेप से होके अब हम जाएंगे नीचे, और कुछ लोग आए हुए हैं भाई वहाँ पे, देखो गिटार प्ले कर रहे हैं, आई थिंक इनकी प्री वेडिंग शूट हो रही है। तो भाई मैंने ना यहाँ पे एक और चीज़ देखी है, जैसे मैं आया हूँ ना तो काफ़ी लोग यहाँ पर, दो से तीन कपल मैंने नोटिस किए, वो यहाँ पर आए हुए हैं प्री वेडिंग शूट करवाने। तो मुझे लगता है यहाँ पे होती है, अगर आप भी आना चाहो वो आप व्यू देख के अब खुद ही जज कर लेना, अगर यहाँ पे आप प्री वेडिंग शूट करवाना चाहते हो। और यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है जिसमें कैंटीन है, आप मैगी वगैरह बनवा सकते हो आई थिंक। और यहाँ पे डॉगी, और अभी आपको व्यू दिखाते हैं भाई। ये देखो लाइटिंग वगैरह पड़ी हुई, यहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रही है। ये देखो भाई धुआं कितना सही लग रहा है, और प्री वेडिंग हो रही है, और सामने वाटरफॉल, लोग इधर आ रखे हैं भाई। ये देखो भाई इधर प्री वेडिंग शूट चल रही है रीवा वाटरफॉल पे। अभी और नीचे जाके दिखाते हैं भाई आपको। तो भाई अभी हम आ गए हैं रीवा वाटरफॉल पर, ये देखो भाई सामने व्यू। तो भाई कमेंट सेक्शन में जाके बताना कैसा लग रहा है वाटरफॉल। तो यहाँ तक आना भी वर्थ इट रहा, जो हम ड्राइव करके आए हैं, और सच में भाई बहुत प्यारा वाटरफॉल है ये देखो। और यहाँ पे कपल्स की प्री वेडिंग चल रही है। तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है, और अगर आना चाहो सोलन डिस्ट्रिक्ट में आइए, तो इधर आके आप रीवा वाटरफॉल आ सकते हो, गूगल पे डाल लेना और बड़ी आराम से आपको लोकेशन मिल जाएगी।
भाई वाटरफॉल बड़ा ही सही तरीके से आ रहा है भाई ऊपर से, इसमें बहुत प्यारा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा क्या बात है। चलो भाई अब थोड़ा पास लेके चलते हैं और सबसे पहले अपने शूज़ रिमूव कर लेते हैं। तो चलो भाई अभी पास से जाके आपको दिखाते हैं वाटरफॉल, अभी मैं उस साइड ही जा रहा हूँ, आ जाओ। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो, सोलन डिस्ट्रिक्ट में बड़ोक के पास टूरिस्ट प्लेसेस घूमने वाली कौन कौन सी हैं। तो होप करता हूँ आपको ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस क्लियर होगी होंगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सबको बाय बाय।